नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने कहीं न कहीं किताबों में, टेलीविजन में देखा होगा कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या जैव मंडल क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे कि काजीरंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट के लिए बनाया गया गिर अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य के विषय में जरूर सुना होगा। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमें ये अभयारण्य, जैव मंडल क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान बनाने की जरूरत क्यों उत्पन्न होती है? विद्यार्थी मित्रों, हमारी पृथ्वी हरी भरी थी, परंतु किसी कारणवश हमने पेड़ पौधे वनस्पतियों का नाश किया, जीव जंतु उसमें मारे गए। इनको बचाए रखने के लिए, हमें इन्हें संभाल के रखने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों में रचना करनी पड़ी। विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहला आज के इस वीडियो में वनोन्मूलन एवं उसके कारणों की चर्चा करेंगे। हम वनोन्मूलन के परिणाम, वन एवं प्राणियों का संरक्षण, जैव मंडल आरक्षण, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डेटा बुक, प्रवासी पक्षियों, कागज का पुनर्चक्रण और पुनर्वनारोपण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिससे हम इस प्रकार के जीव जंतुओं को बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे वनोन्मूलन एवं उसके कारणों की। विद्यार्थी मित्रों, हमारी पृथ्वी शुरुआत से ही बिल्कुल हरी भरी थी, जिसमें नाना प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे रहा करते थे, परंतु मनुष्य ने इन सभी का उपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए इन सबका विनाश भी किया है। इन जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक काफी बड़ा खतरा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वनोन्मूलन होता क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करना, और समाप्त करने के बाद जो हमें भूमि प्राप्त हुई है उसका किसी अन्य कारणों के लिए उपयोग कर लेना, जैसे कि मकान बनाना, फैक्ट्रियां बनाना या उद्योगों के लिए जमीन प्राप्त करना। विद्यार्थी मित्रों, वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए, जिसमें किसान खेती करते हैं। दूसरा, रेल मार्गों के निर्माण करने के लिए। तीसरा, नदियों के ऊपर बंध बनाने के लिए। चौथा, घरों एवं कारखानों के निर्माण करने के लिए। तथा पांचवा, फर्नीचर बनाने तथा गांवों के अंदर तो लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, इन सभी की कहीं न कहीं एक हानिकारक असर होती है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण के स्तर में सतत वृद्धि होती रही है। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सतत बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें ग्रीन हाउस असर तथा ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, भौमजल यानी पृथ्वी के अंदर पानी का स्तर है वह सतत कम होते जा रहा है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जंगल अपने यहाँ काफी सारे जीव जंतुओं को आश्रय देता है, वे संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, बरसात लाने में हमारे लिए सहायक होता है, परंतु वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य हम तक सतत अत्यधिक मात्रा में और ऊर्जा पहुंचाता रहता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाती हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियां जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाती हैं, उससे कई अधिक मात्रा में हम अपने श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली जो विविध प्रकार की हानिकारक किरणें हैं, जो कि गर्मी का वहन करती है, जैसे कि इंफ्रारेड किरणें या अल्ट्रा वायलेट किरणें, उनको वे अपने में शोषित कर लेती हैं। वे पृथ्वी के वातावरण के बाहर इन गर्मी को जाने नहीं देती हैं। पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन स्तर है, वे कई बार इन गर्म किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने की कोशिश करता है, परंतु आज हमारी हरकतों के कारण उस ओजोन स्तर में भी बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं, जिससे ये किरणें सतत पृथ्वी के वातावरण में खींची चली आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु इनका शोषण कर लेती है।
जिससे ये वापस वातावरण से बाहर नहीं जा पाते और हमारे वातावरण में सतत तापमान में वृद्धि होती रहती है, जिसे हम वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में काफी कमी आती है, जिससे कई विस्तारों में तो सूखे जैसी समस्या भी देखने को मिल जाती है। हमारे भारत में भी कई बार ऐसे सूखे की समस्या यानी अकाल की समस्या कई राज्यों में देखने को मिली है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आता है। ये मुख्य रूप से वनोन्मूलन के कारण होता है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का काफी ज्यादा प्रभाव होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा का अपरदन होता है यानी जमीन का कटाव होता है, जिसके विषय में आपने पिछली कक्षाओं में प्रयोग द्वारा जानकारी प्राप्त की थी कि जो पेड़ हैं वे अपनी जड़ों के द्वारा जमीन को पकड़ के रखते हैं, परंतु जब इन्हीं को काट दिया जाता है तो तेज बारिश होने पर या तेज हवा चलने पर मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे मृदा का अपरदन होता है। यानी पेड़ हमारी मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, परंतु उनके कट जाने पर अपरदन होते रहता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से भी उसके नीचे के कठोर चट्टाने दिखाई देने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वे मृदा के ऊपरी स्तर पर होते हैं, परंतु उनके अपरदन के कारण यह ऊपरी स्तर सतत बह करके चले जाते हैं, जिससे जमीन का कटाव होता है, जमीन में ह्यूमस की कमी आती है, साथ ही उर्वरकता में भी कमी देखने को मिलती है और ऐसी जमीन फिर किसी भी प्रकार के उपयोग के लायक नहीं रहती है। पहले तो हमने चर्चा की कि जमीन का ऊपरी स्तर घट जाता है, जिसके फलस्वरूप जो जमीन हमारी है वे बिल्कुल ही या मरुस्थल में रूपांतरित हो जाती है और इस परिस्थिति को मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के कच्छ में तथा राजस्थान के भी काफी बड़े विस्तार में रेगिस्तान आया हुआ है। यह रेगिस्तान को वापिस अगर हमें उपजाऊ जमीन में बदलना हो तो वह लगभग असंभव कार्य है, काफी लंबा समय जा सकता है। बाकी की जमीन को अगर हमें मरुस्थल होने से बचाना है तो हमें वृक्षों को लगाना पड़ेगा और वनोन्मूलन को रोकना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता में भी कमी आती है और भूमि की ऊपरी सतह से जल नीचे की ओर अंतःप्रवण पर भी विपरीत असर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। मृदा के अन्य गुण जैसे कि पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कई बार वनोन्मूलन के कारण जो जंगली जानवर हैं वे अपने मूल क्षेत्रों को छोड़ करके शहरों की तरफ आ जाते हैं। कई बार आपने न्यूज में भी यह घटनाएं सुनी होंगी कि यह जंगली जीव हमारे गांवों में या खेतों में देखने को मिला, अर्थात वनोन्मूलन के कारण जो जंगली जीव हैं उनके मूल आवास स्थलों में भी कमी आ रही है, अतः वे हमारे गांवों में या शहरों की तरफ दौड़ते आ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता संरक्षित बनी रहती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जैव विविधता होती क्या है, उसके विषय में हम भी चर्चा करेंगे। यह क्षेत्र पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में आया हुआ है, अगस्त्यमलाई, ये कुछ ऐसे ही विविध प्रकार के जैव मंडल क्षेत्र हैं। साथ ही गुजरात में आया हुआ गीर, यह भी एक प्रकार का जैव मंडल क्षेत्र है। विद्यार्थी मित्रों, जैव मंडल अर्थात पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के लिए अत्यंत योग्य या अनुकूलित होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उसके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से इनका संबंध बना रहता है, जिसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, जैव विविधता अर्थात क्या, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं उनका पर्यावरण के साथ संबंध, अर्थात जैव विविधता। विद्यार्थियों, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त कुछ सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु सतत कार्य करती रहती हैं। सरकार इनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु
बहुत सारे नियमों और विधियों को बनाती है, जिसका लोगों को पालन करने के लिए सूचनाएं दी जाती हैं। इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनन सजाएं घोषित की जाती हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हम अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। हमारे कुछ प्रवृत्तियां जैसे कि वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, जानवरों का उनकी खाल के लिए या विविध प्रकार के अंगों के लिए शिकार करना, ऐसी प्रवृत्तियों को इस विस्तार में निषेध किया जाता है। उनकी इन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाती है। इन नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनन कार्यवाहियां की जाती हैं। अब चर्चा करते हैं हम वन्य जीव अभयारण्य के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, अब यह अभयारण्य क्या होता है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रह सकते हैं, यानी जंतु अपने आवास में बिना किसी भी प्रकार के खलल के मुक्त रूप से घूम सकते हैं, जैसे कि गुजरात में आया हुआ नल सरोवर या गीर अभयारण्य। विद्यार्थी मित्रों, आप समय मिले तो इन अभयारण्यों की मुलाकात जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निधि रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे कि गुजरात के भावनगर में आया हुआ वेलाबदर राष्ट्रीय उद्यान। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विषय में। तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि पंचमढ़ी। विद्यार्थी मित्रों, पंचमढ़ी में विविध प्रकार की आदिवासी प्रजातियां भी देखने को मिलती है, जो कि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं की देखरेख भी करती है और वह उस प्राकृतिक संपदा को बचाए रखने का प्रयास भी करती हैं। जितना प्रयास हम नहीं कर सकते, शायद उतना प्रयास वे आदिवासी प्रजा अपने कुछ नीति नियमों से करके रखती हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार जैवमंडल क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे, जंतु, संसाधनों तथा वहां के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन से उत्पन्न होता है। अब चर्चा करते हैं जैव मंडल आरक्षण के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जिसमें विविध प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में काफी ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि जैव मंडल क्षेत्र में मात्र जीव जंतु ही नहीं परंतु उस प्रदेश की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत का भी समावेश होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्रों को भी समावेशित कर लिया जाता है। जैसे कि आप किसी जैव मंडल की बात करें तो उस जीव मंडल के अंदर अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों का भी समावेश तो हो जाता है। जैसे कि हम बात करें पंचमढ़ी की, पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान भी है तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभयारण्य भी है। यानी जीव मंडल क्षेत्र में मात्र जीव मंडल क्षेत्र ही नहीं परंतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य का समावेश भी कर लिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं सतपुड़ा के विषय में और बोरी अभयारण्य के विषय में। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हमारे कुछ हरकतों के कारण आज यह जीव मंडल क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की एक सूची बनानी है। इनमें से कुछ क्रियाकलाप हम जाने अनजाने में ही कर बैठते हैं, जो कि जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर जाते हैं, जिनके कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। हमें जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का कोई आशय नहीं होता है, परंतु हमारी कुछ प्रवृत्तियां जैव विविधता में नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम कई जगहों पर कचरा फेंक देते हैं, हम कई जगहों पर वृक्षों को काटते हैं, इससे जैव विविधता नष्ट हो जाती है। कई बार विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी जंगल में या समुद्र किनारे पर टहलते हैं तब हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे जीव जंतु दब करके मर जाते हैं, उससे भी जैव विविधता प्रभावित होती है। मनुष्य की इन गतिविधियों की आपको सूची बनानी है और यह भी पता लगाना है कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं।
तो विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि आप हमारी जैव विविधता को संभाल के रखने के लिए, वन्य जीवों को संभाल के रखने के लिए, पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को तथा अड़ोसी पड़ोसियों को भी इसके विषय में जरूर जानकारी देंगे। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने वन्य जीव संरक्षण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। हमने इस वीडियो में वनोन्मूलन के कारण, उसके परिणाम, जीव मंडल आरक्षण के विषय में चर्चा की। आगे की वीडियो में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इन्हें देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।